शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ विरोध। छतरपुर में आज अतिथि शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय में जाकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 2023 में तत्कालीन सीएम के किए वादों को पूरा करने का दिया बीजेपी अध्यक्ष को ज्ञापन। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री के बयान का किया विरोध। काली पट्टी बांधकर किया विरोध। भारी संख्या में अतिथि शिक्षक संघ पहुंचा था विरोध दर्ज कराने। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छोटू खान, छतरपुर। शिक्षा मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, शिक्षा मंत्री को समझाओ। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, शिक्षा मंत्री को समझाओ। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष। आज हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं भारतीय जनता पार्टी और जिला छतरपुर में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विवादित बयान दिया है अतिथि शिक्षकों के लिए कि क्या अतिथि बनकर आओगे, यानी कि मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे, तो इस तरीका का उनको क्या बोलना चाहिए? हम लोग मेहमान दिखाई देते हैं, शिक्षक हैं हम लोग, और एक शिक्षक की गरिमा को उन्होंने किस तरीके से ठेस पहुंचाई है, हमारी गरिमा को जो ठेस पहुंची है, इसका अंदाजा तो उनको कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। यदि अंदाजा होता तो वो इस प्रकार के शब्द बोलते ही नहीं, और 15-16 वर्षों से निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं। क्या इसलिए कि वो हमको मेहमान नवाजी का दर्जा देके एकदम दरकिनार करना चाहते हैं? कि और 2 सितंबर 2023 को जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं के लिए भी बोलते हैं कि अरे पुरानी चीजें भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाएं? क्या कोई हंसी खेल है भूल जाएं? यदि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो जब तक वो जीवन पर्यंत जिंदा रहता है तब तक वो अपनी घटना को कभी भी जीवन में भूल नहीं सकता। तो हम लोग कैसे भूल जाएं? कैसे हम अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए देख लें? और क्या चाहती हैं, क्या वो माननीय शिक्षा मंत्री जी माफी मांगे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया है। खेद व्यक्त क्या करना होता है? खेद यानी कि दुख, केवल दुख व्यक्त किया है कि अतिथि शिक्षक हमारे बच्चे हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं, और जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, हमारी जो गरिमा को ठेस पहुंची हुई है, ना तो वो हमारी व्यथा को समझते हैं, ना ही वो हमारी वेदना को समझते हैं, ना उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई करुणा है। यदि करुणा होती तो इस तरह की तरीके के शब्द कभी ना बोलते। और रहे अतिथि शिक्षक, तो अतिथि शिक्षक के पीछे भी शिक्षक लगा हुआ है, केवल ओनली अतिथि नहीं है, हम भी शिक्षक हैं और हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जो आज शिक्षा मंत्री के इतने बड़े औहदे पर बैठे हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिक्षक ने शिक्षा दी होगी।